माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के माध्यम से कोरोना वायरस के बचाव व रोकथाम के संबंध में जिला न्यायालय एवं बाह्य न्यायालयों के परिसर की स्वच्छता बनाए रखने और न्यायालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक सैनिटाइजर उपलब्ध कराने और दैनिक निगरानी रखे जाने हेतु सुझाव व जागरूकता पर पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये प्राप्त हुई है कि न्यायालयों में अभी केवल अत्यावश्यक कार्य किए जाएं और बाकी सभी वर्क काम जो है उसको 21/3/2020 के बाद के लिए नियत किया जाए। तो अत्यावश्यक कार्य में जैसे जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण है, धारा 164 के अधीन साक्षियों का कथन लिखना है, इससे आवेदन पत्रों पर विचार करना है और बंदियों का जो प्रथम रिमांड का कार्य है, ऐसे केवल अत्यावश्यक और जरूरी काम किए जाए और बाकी सभी काम जो है वो 21 मार्च 2020 के बाद के लिए नियत किए जाए। तो इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कोरबा जेल प्रशासन को भी कह दिया गया है कि किसी बंदी को शारीरिक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय अगर किसी बंदी की उपस्थिति को अगर आवश्यक समझेगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी उपस्थिति दर्ज करके कार्रवाई कर ली जाएगी। न्यायालय परिसर में सुरक्षा के लिए पूरे कदम उठा लिए गए हैं। हर न्यायाधीश और कर्मचारी को मास्क प्रदान कर दिए गए हैं लगाने के लिए और हैंड वॉश करने के लिए लिक्विड हैंड वॉश भी दे दिया गया है और साथ ही साथ जगह जगह न्यायालय परिसर में सैनिटाइजर लगा दिए गए हैं और सैनिटाइजर के साथ जागरूकता के फ्लेक्स पॉम्पलेट्स भी लगाए गए हैं। ये सैनिटाइजर उपयोग करें, हाथों को स्वच्छ रखें, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक पर रुमाल रखें, एक दूसरे से हाथ मिला के संपर्क करके या शारीरिक संपर्क से बचें, इसके बदले केवल नमस्कार करके ही अपना काम कर लें। ऐसा ही संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और सुरक्षा के पूरे कदम उठा लिए गए और ये कदम केवल जिला न्यायालय कोरबा के लिए नहीं अपितु सिविल न्यायालय कटघोरा पाली करतला यहाँ के लिए उठाए गए हैं और वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क भेज दिए गए हैं।